मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग नए वीडियो लेक्चर का शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें झारखंड करंट अफेयर्स रहेगा और जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। तो 2015 से लेकर के जुलाई 2021 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं तथा पिछले एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का यह एक सीरीज रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, विनोद चंद्र पांडे, एम रामा जयिस, रमेश बैस या प्रभात कुमार। तो ऑप्शन नंबर सी, रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत कितने पेड़ लगाए जाएंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख और डी 4 लाख। तो बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत राज्य में कुल 2 लाख पेड़ लगाए जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी पलामू। यानी कि ऑप्शन नंबर ए पाकुड़। पाकुड़ जो है पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए झारखंड का महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किस योजना की शुरुआत की? ठीक है, तो उस योजना का नाम था दोस्तों आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जा रहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2020 में झारखंड की किस कला को जीआई टैग दिया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है सोहराई खोवर चित्रकारी, दूसरा जादोपटिया चित्रकारी, तीसरा कुर्मी कला और चौथा है बिरहोर कला। ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि सोहराई खोवर चित्रकारी जो कि हजारीबाग जिले में मुख्य रूप से किया जाता है पेंटिंग दीवारों पर, इसको झारखंड का 2020 में जीआई टैग दिया गया दोस्तों। ठीक है, और इसको प्रचलित करने के लिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर छठा है, झारखंड के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है संजय सिन्हा, ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी रघुनाथ सहाय, ऑप्शन डी बलदेव राज महाजन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी, यानी कि राजीव रंजन जो है झारखंड के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। महाधिवक्ता का काम यही होता है कि दोस्तों कि जब किसी भी सरकार के ऊपर जब केस होता है तो सरकार का जो पक्ष जो है वो महाधिवक्ता रखते हैं। जैसे कि सोनी कुमारी केस और झारखंड राज्य का केस में महाधिवक्ता क्या करता है, सरकार का पक्ष रखता है और सोनी कुमारी की तरफ से अलग जज या वकील को रखा जाता है। चलिए आगे है। रघुवर दास ने किस जिले से हर घर नल हर घर जल का शुरुआत की थी? रांची, गढ़वा, पलामू, रामगढ़। तो रामगढ़ जिला से हर घर नल हर घर जल की आरंभ किया गया था। ठीक है, आगे है। राज्य का पहला स्मार्ट थाना कहाँ है? हजारीबाग, नगड़ी, कोतवाली रांची, चास बोकारो। तो राज्य का पहला स्मार्ट थाना पूछा जाए तो है कोतवाली रांची। आगे है, झारखंड में भारत के निम्न में से कौन सा 26% आरक्षित भंडार है? मतलब वो भंडार जो है आरक्षित करके झारखंड में है, कोयला, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, जो लौह अयस्क है झारखंड में भारत का 26% आरक्षित भंडार है, तो लौह अयस्क का। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 76.24%, 66.41%, 56.42%, 62.41%। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो हमारा साक्षरता दर है वो है 66.41%। आगे है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत भरपेट भोजन कितने रुपए में दिया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी आसान है, 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को चंद्रवंशी जनजाति कहा जाता है? ठीक है, यानी कि उनके पूर्वजों को चंद्रवंशी माना जाता था, तो जनजाति है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति के पूर्वजों को चंद्रवंशी माना जाता था।
अगला प्रश्न है, झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किया गया जो सर्विस पोर्टल ऐप का नाम क्या रखा गया था? हुनर, स्किल, मेरा हुनर, माई टैलेंट। तो उस ऐप का नाम रखा गया था मेरा हुनर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित करने वाला झारखंड देश का कौन सा क्रम का राज्य था? तो उस समय देश का कौन सा क्रम का राज्य था झारखंड? तो वो था प्रथम। चलिए आगे देखते हैं 15वां सवाल की ओर। 15वां सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य का 7वां नगर निगम कौन है? मांगो, गिरिडीह, मेदिनीनगर, आदित्यपुर। तो जो मेदिनीनगर है वो झारखंड राज्य का 7वां नगर निगम है, ठीक है। अगर 8वां पूछा जाए तो 8वां मांगो है। चलिए आगे है, हॉकी झारखंड का ब्रांड इन्वेस्टर किसे नियुक्त किया गया? निकी प्रधान, सिल्वानुस डुंगडुंग, सुमरई टेटे, पुष्पा प्रधान। तो सुमरई टेटे को झारखंड हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है दोस्तों। अगला है, स्थान के आधार पर निम्न में से जो सबसे अलग है उसको चुनना है। दशम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडू जलप्रपात। तीन में से जो सदनी जलप्रपात है वो कहाँ है? तो वो है गुमला में, और बाकी जो सारे के सारे हैं वो सब रांची में स्थित हैं। चलिए आगे है, मैथन बांध निम्न में से कहाँ स्थित है? गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। तो वो है धनबाद में। चलिए अगला प्रश्न है, ई पास देने के लिए झारखंड सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया? ई पास जब जरूरत के सामान को पहुंचाने या परिवहन के लिए दिया जा रहा था दोस्तों, तो उसमें उस ऐप का नाम क्या था जिसके द्वारा सरकार द्वारा अनुमति दी जा रही थी? जोहार, कोपल, प्रज्ञाम या उमंग। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रज्ञाम जो है उस ऐप का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नई धर्म को विधेयक ने मंजूरी दी है? सरना, अवर, भील, खड़िया। तो जो सरना धर्म है दोस्तों, झारखंड के जो सरकार है ये नई विधेयक में इसको पारित कर दिया गया, मंजूरी दे दिया गया, तो सरना धर्म। उराव जनजाति की कौन सी भाषा है? अवधी, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक। तो उराव जनजाति की जो भाषा है वह है कुड़ुक। आगे है, GST पारित करने वाला राज्यों में झारखंड कौन सी नंबर का राज्य है दोस्तों? तो GST पारित करने वाले राज्यों में झारखंड जो है तीसरा क्रम का राज्य था, ठीक है। सवाल नंबर 23 यह है, झारखंड सरकार ने किस उद्योग को कृषि का दर्जा हाल ही में दिया है? पतल उद्योग, बीड़ी उद्योग, डेयरी उद्योग, हड़िया उद्योग। तो जो डेयरी उद्योग है दोस्तों उसको हाल ही में झारखंड सरकार ने कृषि का दर्जा दिया है। लोन्स नायक अल्बर्ट एका की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? भारत चीन युद्ध में, कारगिल युद्ध में, भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1971। तो जो भारत पाक युद्ध 1971 है उसको में लोन्स नायक अल्बर्ट एका की मृत्यु हुई थी। आगे है, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? जावा, सरहुल, बंदना, कर्मा। तो जो बंदना है वो कार्तिक महीने के काला चंद्रमा में सबसे प्रसिद्ध मनाने वाला पर्व है दोस्तों झारखंड का। आप यदि लगातार इसी प्रकार अन्य वीडियो जो झारखंड से रिलेटेड होगा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिए। आज के लिए इतना ही।